जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र डांस बार केस के बारे में। आप सभी ने इस केस के बारे में सुना होगा, काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरे केस को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस टॉपिक से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि अगर हम पॉलिटी के एंगल से देखते हैं तो पॉलिटी मतलब जीएस पेपर 2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकल सकता है कि जो जुडिशियरी है और गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में हार्मोनी किस तरीके से होनी चाहिए, उस पर एक क्वेश्चन निकल सकता है। या फिर जो एथिक्स का पेपर है उसमें भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप नॉलेज के शौकीन हैं तो आपके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो शेयर कर दिया करता हूँ। उसी तरीके से जो वीडियो अपडेट्स है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखिए, मयूर मोगरे नाम से काफ़ी ट्विटर अकाउंट है, उसी के साथ साथ मेरी फोटोज़ भी कई कई ट्विटर अकाउंट पे इस्तेमाल की गई है। इसीलिए मैंने आपके सामने जो स्क्रीनशॉट है मेरे अकाउंट का वो लाया है, जिससे कि आप प्रॉपर सही अकाउंट जो है फॉलो कर पाओ। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं जो PDF है वीडियोज़ की वो शेयर कर दिया करता हूँ। इन सभी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, केस शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये कहानी शुरू होती है 2005 से, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डांस परफॉर्मेंस जो होते हैं बार में उसे बैन कर दिया था। लेकिन ये जो बैन था ये 3-स्टार होटल या उससे ऊपर के जो होटल है उस पर नहीं था। इसका मतलब है कि जो भी डांस परफॉर्मेंसेस बार में हो रही थी अब उस पर बैन लग चुका था। तो महाराष्ट्र सरकार ने इस तरीके का निर्णय क्यों लिया था कि मतलब 3-स्टार होटल जो है उसके ऊपर के अगर होटल है तो वहाँ पर हम बैन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उससे नीचे के अगर होटल है तो वहाँ पर बैन लगा रहे हैं, ऐसा उन्होंने भेदभाव क्यों किया था? तो इस पर स्पष्टीकरण के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि उनका इंटेंशन जो है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन जो 3-स्टार के नीचे के होटल्स होते हैं वहाँ पर हमें मॉरली करप्ट एटमोसफियर देखने को मिलता है, और जो कि प्रोस्टिट्यूशन को भी प्रमोट करता है। मतलब उस बार में जो भी लोग आते हैं वो मॉरली सही नहीं होते हैं, और वहाँ पर जो भी डांस परफॉर्मेंसेस होती है उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन को वो चीज़ बढ़ावा देती है। अब महाराष्ट्र सरकार ने बैन करने के बाद जो भी अफेक्टेड पार्टी है उन्होंने पिटीशन दाखिल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उन्होंने अपना निर्णय दिया, और उन्होंने अपना जो निर्णय है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो बैन लेकर आई है वो गलत है, वो नहीं लगना चाहिए, और फिर से डांस परफॉर्मेंस जो है वो शुरू कर दी जाए। मगर महाराष्ट्र सरकार यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने हाई कोर्ट के इस निर्णय के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सही बताया जुलाई 2013 में। तो आप देख सकते हो 2005 से ये कहानी शुरू हुई थी, तो अब 2013 तक ये कहानी आ चुकी है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल सही है, और उसके लिए उन्होंने दो रीज़न भी बताए थे। पहला बताया था कि गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है लग्जरी होटल और जो भी बाकी के होटल्स हैं उनके बीच में, और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर डांस परफॉर्मेंस जो है उन्हें बैन नहीं कर सकती है। और ये जो बैन है ये काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव हुआ है। इसका मतलब है कि 75,000 वुमेन जो इस जॉब में एम्प्लॉयड थी अब वो अनएम्प्लॉयड हो चुकी है, और अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से उन्हें फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में जाना पड़ रहा है। तो ये दो कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सही बताया और जो बैन है वो हटा देने को कहा। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो बैन था वो तो नहीं हटाया, लेकिन जो उन्होंने बैन नहीं लगाया था 3-स्टार या उससे ऊपर के होटल्स में, अब उन पर भी उन्होंने बैन लगा दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहला पॉइंट क्या था कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया। मतलब जितने भी होटल्स है, भले वो 3-स्टार हो, उससे ऊपर के हो या उसके नीचे के हो, महाराष्ट्र सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। अब महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय के वजह से जो कोर्ट का पहला कंसर्न था वो तो एड्रेस हो चुका है, लेकिन जो दूसरा कंसर्न था उसका क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 75,000 से ज़्यादा वुमेन जो है वो अनएम्प्लॉयड हो चुकी है और उस वजह से वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट पर जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए फ्रेश प्रोसीडिंग जो है इस सिलसिले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार है उन्हें कुछ रूम दी और उन्हें कहा कि जो डांस परफॉर्मेंसेस होती है वहाँ पर कुछ इस तरीके का रूल लाइए कि जिससे कि जो डांसर्स हैं उनकी डिग्निटी प्रोटेक्ट रहे।
तो उसके बाद महाराष्ट्र सरकार जो उन्होंने क्या किया, तो महाराष्ट्र सरकार ने लाइसेंस लेने के लिए नंबर ऑफ कंडीशंस जो है वो इम्पोज कर दिए, जिससे कि लाइसेंस लेना काफ़ी मुश्किल हो जाए। उसी के साथ साथ जो अप्लीकेंट्स है उन्हें गुड कैरेक्टर करके पेश करना होता था विथ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। अब गुड कैरेक्टर, ये देखिए बहुत ही वेग फिनोमिना है। अब गुड कैरेक्टर है या नहीं है हम किस तरीके से बता सकते हैं? उसी के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा कि ये जो डांस बार स्टैब्लिश किए जाएंगे ये एजुकेशनल या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है उसके 1 किलोमीटर के आसपास नहीं रहने चाहिए। उसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी फिट करना चाहिए एंट्रेंस पर, और जो कस्टमर्स रहेंगे वो जो कॉइन्स या फिर करेंसीज थ्रो करते हैं डांसर्स पर वो नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो टिप देते हैं वो भी नहीं दी जाएगी। उसी के साथ साथ जो परमिट रूम और डांस रूम होते हैं उसे भी सेपरेट किया जाएगा विद अ पार्टीशन, और जो स्टेज है वो स्मॉलर नहीं रहेगा प्रिस्क्राइब साइज से, मतलब प्रिस्क्राइब साइज यहाँ पर दी जाएगी, उससे छोटा स्टेज यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 17 को कुछ जो कंडीशंस है महाराष्ट्र सरकार की उसे अपहेल्ड किया है, लेकिन काफ़ी ऐसी जो कंडीशंस थी जो महाराष्ट्र सरकार ने लाई थी उसे स्ट्रक डाउन कर दिया है। जो महाराष्ट्र सरकार ने बोला था कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं तो वो राइट टू प्राइवेसी जो है उसे वायलेट करता है डांसर्स और पैटर्न्स के। उसी के साथ साथ गुड कैरेक्टर जो है वो काफ़ी वेग है। गुड कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपने नहीं बताई है, तो इस तरीके से गुड कैरेक्टर क्या है ये किस तरीके से पता चलेगा? वो तो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस तरीके से हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है, तो जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है। उसी तरीके से गुड कैरेक्टर क्या रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो जो महाराष्ट्र सरकार है वो डिसाइड करेगी। और जो पार्टीशन है परमिट रूम और डांस रूम के बीच में वो भी अनजस्टिफाइड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और स्कूल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस से कम 1 किलोमीटर दूर आपको डांस बार बनाने हैं, ये भी जो एक रिक्वायरमेंट है इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जिससे कि जो डांस बार है उस पर बैन लगा दिया जा सके। अब देखिए जो लोग इस चीज़ में एम्प्लॉयड थे उनका कितना यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि 2005 से तो 2019 तक ये जो केस है चलता आ रहा है, तो इससे एथिक्स पर और पॉलिटी पर एक और क्वेश्चन निकलता है कि जो जुडिशियरी है उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग फास्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए। तो ये था महाराष्ट्र डांस बार केस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इस केस के बारे में क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।